आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हनु सर, लक्षण एजुकेशन की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बात की शुभकामनाएं उन बच्चों को शुभकामनाएं जिन बच्चों ने SSC CGL क्वालिफाई किया है। और मेरे साथ है रोहित यादव, ये सौसा गांव से, ग्वालियर के बहुत ही पास है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरह से। और इन्होंने SSC CGL में 164वीं रैंक हासिल की है। तो मैं पूछूंगा, आप रोहित से पूछूंगा कि कैसा महसूस कर रहा है रोहित 164वीं रैंक लेके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी रैंक ला सकता हूँ, मगर मेरे घर वालों को और आप लोगों को सभी को, अरे रोहित तू कर सकता है, ला सकता है, इतना बड़ा भी नहीं है कि और भी लड़के लेके आए तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ला सकता। ग्रामीण इलाके से था मगर कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं लगा रहा, एक दो साल मेहनत किया, हिंदी मीडियम से था, इसमें CGL में पूरा इंग्लिश मेंस, आपको इंग्लिश में देना पड़ता है 200 नंबर का, तो उसके लिए मैंने तैयारी की, मॉक दिए, कई सारे मॉक दिए, सब 70-80 के आसपास मॉक दिए। अपनी तैयारी मैं करता रहा, एक अटेम्प्ट में मैं रिजेक्ट भी हुआ 19 वाले में, उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे मार्क्स घट गए थे, तो उसमें मैं आउट हो गया। तो उसके बाद भी आप लोगों ने सबने मोटिवेट किया कि रोहित तुम कर सकते हो, और एक आध अटेम्प्ट से ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि आपने वो काबिलियत नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़, तो एक आध अटेम्प्ट हो जाता है कभी कभार ऐसा। आप नहीं, आप जिस हिसाब से सोच के चलते हो, उस प्लानिंग से चलते हो, उस प्लानिंग पर मंजिल नहीं मिल पाती आपको, उस रास्ते से आप दूसरा रास्ता लीजिए, बगल से एक और रास्ता है, साइड से एक और रास्ता है, तो आप लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए। जैसे 164वीं रैंक आप SSC CGL में, आपके गांव में कितने लोग समझ पाए इस बात को कि ये रैंक क्या है और CGL है क्या? तो वहां पर आपको ये फर्क SI में और कॉन्स्टेबल में, और इसमें क्या महसूस कर रहा हो, क्या गांव वाले इस बात को समझ पा रहे हैं कि CGL क्या है? गांव वाले उन्होंने देखा कि ऑल इंडिया, उन्होंने कहा देश में, पूरे देश में कितना, 164, उन्होंने कहा अरे ये तो यार गाँव के लिए बहुत सम्मान की बात है, उसकी बात है। गाँव वालों ने सुबह जब, जैसे मेरा रात में आया था 7-8 बजे के आसपास, तो सुबह 6 बजे तो उन्होंने पता पड़ गया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सभी को उससे ऑनलाइन पता पड़ गया, सभी के लड़के पढ़ रहे हैं, सभी ग्रामीण लोगों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा, लिस्ट देखा, उन्होंने कहा भैया की 164 रैंक है, सभी घर पे ही आ गए। उन्होंने कहा पूरे पूरे देश में तुम इतने ले के आए 164, इसमें भी बहुत है, आपने बहुत अच्छा किया और गाँव का नाम रोशन किया। तो उन सब की ब्लेसिंग थी मेरे साथ, और मेरे माता पिता की तो थी, मेरे बाबा ने मुझे बचपन से पढ़ाया, जब मैं 1st-2nd क्लास में था उनने गाइडेंस किया। अभी भी जब 2017-18 में थोड़ा मैं लो महसूस कर रहा था, अरे मैं कर नहीं सकता अच्छी PSC वगैरह या ये नहीं कर सकता CGL वगैरह, तो उन्होंने कहा नहीं तू कर सकता है। घर वालों ने मुझे हमेशा बूस्टअप किया मेरी जर्नी में, घर वालों का, इसमें जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसमें मेरे घर वालों का बहुत रोल है। ग्वालियर के आसपास के गांव वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो, अपना चंबल क्षेत्र को क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरा मैसेज, आप लगे रहिए, रुकिए नहीं। जो जो बच्चे भी 12th पास किया उनके लिए क्या मैसेज है? जिन भी 12th पास किया उनके पास टाइम ही टाइम है, आप ग्रेजुएशन करेंगे 3-4 साल का टाइम है आपके पास, 3-4 साल में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैथ कितना, मैक्सिमम 7-8 महीने में बेसिक सा मैथ आता है, 10th लेवल तक का मैथ है इसमें, ऐसा नहीं कोई हायर मैथ हो, आप 10th लेवल का मैथ है कर सकते हो, ऐसा नहीं। थोड़ा इंग्लिश करते रहिए साथ साथ, थोड़ा उससे भी जुड़े रहिए, GS भी देखते रहिए, क्या चल रहा है देश दुनिया में, कहाँ क्या, ये भी देखते रहिए थोड़ा बहुत, और रीजनिंग करते रहिए। तो और मॉक, मैं ये कहना चाहूँगा मॉक बराबर दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए, देखिए पिछले पेपर में क्या आया है, 7 CPO वगैरह में क्या, इन एग्ज़ाम में इस पेपर से उस पेपर में, उस पेपर से इस पेपर में, इधर का उधर, उधर का इधर, सब सभी एग्ज़ामों में ऐसा ही है, जो CPO में क्वेश्चन आया वो CGL में आ गया, इस बार CGL में आया, अगली बार उनने CHSL में दे दिए, क्वेश्चन वही है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, वही घूम रहे हैं आजकल, एक हाथ क्वेश्चन आता है मेरे को, वही क्वेश्चन है, वही सर मॉक देते रहे। रोहित मुझे एक बात बताओ, आपने AAO की पोस्ट ही क्यों चुना? सर सबसे पहले CGL की सबसे हाईएस्ट पेड वाली जॉब है, सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में है, 4800 का ग्रेड पे है इसमें आपका, और रजिस्टर्ड पोस्ट है इसमें, और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें थोड़े पर्क्स इसके अच्छे हैं, जैसे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका उस पर साइन करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड जो बनेगा उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे, इस बात से मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ, रजिस्टर्ड पोस्ट मोटिवेट, और आगे 2-4 साल में इसमें आप
जब क्लास वन ऑफिसर, उसके बाद एयरपोर्ट पे जो क्लास वन ऑफिसर के लिए जो अलग से लाइन रहती है, सब पब्लिक के लिए एक अलग लाइन और तुम्हारे लिए एक अलग लाइन, तो ये सबको मैंने अपना मोटिवेशन बनाया इन सब चीज़ों को। और इस इन्हीं यही दिमाग बातें मेरे दिमाग में चलती रही कि ये सब चीज़ें मैं जब रात में पढ़ता था तो सोचता था अरे चलो एक दिन ऐसा आएगा, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और मेहनत से आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। भी ऐसा सोच रहे हो कि रोहित जैसा करना तो रोहित जैसी मेहनत आपको भी करना पड़ेगी, तो ये संभव है, नहीं संभव नहीं है। रोहित अब आगे चलकर UPSC की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, 164वीं रैंक इनकी आई थी SSC CGL में, अब आगे चल के UPSC की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ईश्वर करे कि कल के लिए किसी भी ज़िले को ये संभालें, एक कलेक्टर बने, तो हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल इनके साथ हैं और आप लोगों के भी साथ हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, रोहित जैसा सोच रहे हो, तो हो सकता नहीं है 100% होगा, एक या दो या तीन वर्ष आपको लग सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का। तो दूसरी तरफ हमारे हैं अमन असैया, तो अमन को मिला है SSC CGL में नार्कोटिक्स, तो मैं अमन से पूछना चाहूँगा कि अमन आपको कैसा फील हो रहा है ये SSC CGL को क्वालिफाई करने के बाद? जी सर, बहुत प्राउड, जोर से बोलो कि लोगों सुने। जी सर, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, तो सर आपके लिए भी होना चाहिए सर। मुझे बहुत खुशी है कि ये पोस्ट मिली मुझे। आपने कौन सा अटेम्प्ट दिया था SSC CGL का? जी सर, मेरा ये दूसरा था, दूसरा अटेम्प्ट में आपको CGL क्वालिफाई हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी ना सोचे कि आप नहीं निकल सकते। और आपने किस तरीके से तैयारी की, लिमिटेड रहा आपका तैयारी का, या बहुत सारी बुक्स पढ़ी या कम बुक्स पढ़ी? जी सर, पहले मैंने 19 वाला जो हुआ था CGL, उसमें बहुत सारी मैं बुक के चक्कर में पड़ गया था, तो उस चक्कर में मेरा सब डाउन हो गया और सब कन्फ्यूजन हो गई, तो उस चक्कर में फिर मेरा हुआ नहीं। फिर मैंने 20 से अनुसर के ही अपना वो किया था, उसी में प्रैक्टिस की है ढंग से, और जो किरण की आती है अपनी बुक 10,000 क्वेश्चन आपने बताई थी, वही मैंने फॉलो की, 2-3 बार उसी को लगा दी, और जो टेक्स्ट बुक के मॉक है वो लगा दिए 3-4 पूरे, तो मतलब मेरा बढ़िया हो गया था, मैथ भी अच्छा हो गया था, और इंग्लिश के लिए मैंने डेली रीडिंग की और उसके साथ जैसे ब्लैक बुक आने लगी अब, तो उसमें पूरी वॉकेब आ रही है, तो उसको मैंने पूरा 3-4 बार रिवाइज किया, बढ़िया और सही हो गया था। घर वाले कितने खुश हैं तुम्हारे कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ क्वालिफाई, कितने खुश हैं, कैसा मूवमेंट था तुम्हारे लिए वो कल का? अच्छा, घर वाले तो बहुत खुश है, कल तो नींद ही नहीं आई है। तो ईश्वर से ऐसी कामना करेंगे, आगे भी मुझे लगता है तुम CGL अभी भी देने के इच्छुक हो। और नार्कोटिक्स ही क्यों चुना तुमने? जी सर, मैंने मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी। आपको घर के ग्वालियर में चाहिए? हाँ, क्या ग्वालियर से हैं, और मुझे घर का घर भी मिल जाए, मुझे पोस्टिंग ग्वालियर में मिल जाए और अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, तो लोग आपको ही मिल सकता है अगर आप चाहो तो। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहोगे? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे अपना CGL का फोकस बनाओ, उसी को लगाते रहो, और जैसे मौके वो अपने लगाते ही रहो डेली, जैसे मेंस के हुए रोज के 100 क्वेश्चन डेली लगा दिए मैथ के, इंग्लिश का भी लगा दो अपन 200 क्वेश्चन है, अब तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब क्वेश्चन कम हुए हैं, तो लेकिन अपन 100 क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे तो अपना जो प्रीवियस वाले हैं ना पैटर्न, वो सब अपना रिवाइज हो जाएगा। और प्री में तो वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अगर आप GS के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन से दूर ही होते जाओगे मेरे हिसाब से तो। और हाँ हाँ, रीजनिंग को पहले हम छोड़ देते थे, नए पैटर्न में तो रीजनिंग भी आ चुका है। हाँ, मैं तो रीजनिंग इक्वलिटी के साथ आ गया, तो नए पैटर्न में बहुत कुछ चेंज होगा, क्योंकि तुम लोगों का पहले एक्सपीरियंस ये था कि पहले GS मेंस में नहीं था। हाँ, पर नए बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उन लोगों का GS भी पढ़ना। तो चलो, ईश्वर से कामना करते हैं कि अमन तुम्हारा और भी अच्छा भविष्य हो। ठीक है, नमस्कार।